सबसे पहले भोजपुरी दर्शकों को मेरा दिल से प्रणाम है। और लोकेशन के बारे में ऐसा है कि भोजपुरी में सब लोग आजकल ट्रेंड बना लिए हैं कि यूनिट को लेना है और गुजरात जाना है, पिक्चर को बनाना है और आना है और भोजपुरी दर्शकों को परोस देना है। हमने खास करके इस फिल्म में ऐसा सोचा है कि हमारे भोजपुरी दर्शक जो हैं अब पहले जैसे थे अब नहीं है, उनकी भी अभिलाषा है, उनकी च्वाइस है कि हमारा भी लोकेशन अच्छा होना चाहिए, ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, डायरेक्टर का काम अच्छा होना चाहिए, अच्छा आर्ट होना चाहिए, अच्छा प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अच्छा गाना होना चाहिए। इसलिए मैंने इस रानी दिलवर जानी में जो 9 गाने बनाए हैं वो सब भोजपुरी की सबसे अच्छी अच्छी अदाकारा, अच्छी अच्छी हीरोइन उनको लेकर और अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम, अच्छे अच्छे लोकेशन और अच्छे अच्छे तरीके से इस गाने को बनाकर भोजपुरी दर्शकों को पेश करने की कोशिश की है। रानी दिलवर जानी का खास बात यह है कि ये खास करके भोजपुरी दर्शक जो होते हैं जिनकी सही में दिल की व्यथा कहानी, जो यंग होते हैं जो गांव से यहाँ आते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनकी एक दिल में भावना होती है कि काश मैं भी रानी चटर्जी, मैं भी मोनालिसा, मैं भी पार्की हेड़े, मैं भी अंजना सिंह, मैं भी सुमी शर्मा के साथ मैं भी हीरो होता और ऐसा लगता। उसी चीज को इसमें मैंने पिक्चर में दिखाने की कोशिश किया है। मेरे ख्याल से पिक्चर आज के समय में ऐसा है कि मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन सही अर्थों में अगर प्रोड्यूसर के दिल से पूछे तो जितने बड़े को लेगा उसका भी पैसा रिकवर होता नहीं है, जिसका प्रमाण है कि कोई भी प्रोड्यूसर ने अभी तक फ्लैट नहीं लिया है। मैं तो कहता हूं डायरेक्टर ने भी फ्लैट नहीं लिया है, लेकिन हीरो लोगों ने फ्लैट लिया है, प्रॉपर्टी लिया है, बंगला लिया है, न जाने क्या क्या लिया है, भगवान उसको और दुगना देवे, लेकिन मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर को नहीं लिया है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ उनको न लेकर भी ऐसा है तो उनको न लेके ही ऐसा रहा जाए और उसके दर्शक को अच्छी चीज दिया जाए तो और अच्छा है, क्योंकि उस साइड में आजादी नहीं है काम करने का, इस साइड में काम करने की आजादी है। ये पिक्चर 100% पूर्ण हो चुका है और इसकी डबिंग एडिटिंग सभी हो चुकी है, इसको बस सेंसर करने के चक्कर में है। ये गाना मेरा लास्ट है और जिस तरह से आप मीडिया वाले जानते हैं कि गाने का एडिटिंग, डबिंग और बैकग्राउंड तो होता नहीं है, तो इसको बस जैसा इंजन के डब्बे में ज्वाइंट होता है ज्वाइंट करके सीधा हम इसको रिलीज करने का बारिश के बाद प्लान बना रहे हैं। थैंक यू। ये पिक्चर का नाम है रानी दिलवर जानी, जो मेरी पिक्चर कंप्लीट हो चुकी है। हमने एक प्रमोशन सॉन्ग शूट कर रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर अंजना सिंह है, सुबी शर्मा है और हमारे भोजपुरी के जो मेन खलनायक अवधेश मिश्रा जी हैं और कॉमेडी आर्टिस्ट है के गोस्वामी। तो हम लोग एक गाना पिक्चराइज कर रहे हैं, एडिशनल सॉन्ग है इसके अंदर, इसलिए डाला है कि पब्लिक को और अच्छा लगे। तो इसके अंदर काफ़ी हम लोगों ने ऐसे सीन डाले हैं जो पिक्चर का है, शूटिंग में शूटिंग है, तो शूटिंग में हम लोग क्या और अच्छा दिखा सकते हैं वो सब चीज़ें हम लोग इसमें डालने की कोशिश की। तो ये रानी दिलवर जानी की बात करें तो वैसे ही मतलब नाम से ही लगता है कि रानी की पिक्चर है, लड़का होगा रानी की, हाँ होगी रानी की, हाँ जी सगाई होगी, हाँ। क्या कुछ अगर अलग, अगर रानी दिलवर जानी की बात करें, कहानी की बात करें, क्या कुछ अलग इसमें लड़का है? ये फुल कॉमेडी पिक्चर है, रानी दिलवर जानी, रानी के बड़े फैन होते हैं लोग और फुल कॉमेडी है। आप देखोगे इसमें कहानी आपको बहुत अच्छी मिलेगी कि यूपी बिहार में लड़के लोग कैसे हीरो बनने के लिए अपना
क्या क्या स्ट्रगल करते हैं और बॉम्बे आके वो कैसे अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं, कितना दुख झेलते हैं, उसके अंदर पूरा मसाला कॉमेडी फुल एंटरटेनमेंट फिल्म है। हाँ देखो, ओम शांति ओम एक पुनर्जन्म के ऊपर कहानी थी। ये पुनर्जन्म तो नहीं है, एक ही जन्म में उसके साथ क्या होता है वैसा है, और ये काफ़ी चीज़ें लोगों के रियल कहानी घटना के ऊपर है, जैसे लोग आए हैं, जैसे हीरो बने हैं। तो एक टाइम पे हम भी गांव से आए थे, इधर आके स्ट्रगल किया, तो एक पिक्चर में हीरो भी बन गए थे हम। तो ऐसे ही सब जगह सबकी कहानी से मिली जुली पिक्चर है ये, और आप देखोगे, दर्शक लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अलग अलग गानों पे अलग अलग अभिनेत्रियां हैं। हाँ जी, क्या उसका कुछ थीम है क्या? थीम मतलब वो शूटिंग, एक तो क्या है ना, वो लोग ड्रीम में जाते हैं तो किसी लड़की के ख्याल में आते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि बाकी एकड़े को लेके आए, जिससे क्या होगा कि हमारे पिक्चर में वैल्यू बन जाएगा और सीन भी बन जाएगा। और कहीं हम लोगों ने शूटिंग के अंदर शूटिंग है, तो वहाँ हम लोग पूरे आर्टिस्ट को भरना चाह कि हर किसी चीज़ की कमी ना रखे, सब आर्टिस्ट मिले और दर्शकों को अच्छा लगे। ये देखिए, हम लोग कोशिश है दुर्गा पूजा के करीब करीब लेके आने की, लास्ट है बस, अभी पोस्ट के बाद हम लोग जल्दी जल्दी लेके आएंगे। सीन है कि एक गाना है जहाँ फिल्म के जो दो हीरो किरदार हैं वो आते हैं, वहाँ शूटिंग चल रही है, शूटिंग में अवधेश मिश्रा जो मैं हूँ वो रियल लाइफ का अवधेश मिश्रा आते हैं वहाँ पे, ये लोग हमारे फैंस होते हैं, आते हैं बातचीत करते हैं। उसके बाद एक शूटिंग चल रही है गाने की शूटिंग जहाँ मैं हूँ, एक दूसरे ही सिनेमा के लिबास में बैठा हुआ हूँ, और ये लोग देखते हैं। ये एक सिंपल सी कहानी, आज हमारे एक इसमें स्पेशल अपीयरेंस है। अभी तो कल ही शहदारी रिलीज हो रही है, उसके बाद रंगदारी टैक्स है, ज्वाला है, होगी प्यार की जीत है, मेहंदी लगा के रखना है, और किस्मत ने सब फिल्मों को बहुत अच्छा मकाम दिया है, बहुत अच्छी फिल्में बनी है सारा। अच्छी फिल्मों का जो जो इंतज़ार रहता है एक हर एक्टर को, तो वो मुझे लगता है इस बार जो भी है बिल्कुल मंच में अच्छी फिल्में हैं, बाकी हमारे दर्शक। मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, हम भोजपुरी की वजह से हैं, और भोजपुरी जहाँ भी है हमारे दर्शकों की वजह से है। आज मुझे कोई जानता भी है तो भोजपुरी के नाम से जानता है, चाहे मैंने साउथ की भी फिल्म की या उड़िया का फिल्म किया या हिंदी, जो भी ऊपर वाले ने चांस दिया है, लेकिन मेरी पहचान है कि भोजपुरी का एक बहुत अच्छा उम्दा एक्टर है, तो बड़ा प्राउड भी होता है। पहले लोग शर्माते थे कि भोजपुरी के एक्टर कहलाने में, लेकिन अब मैं बता दूं, हमारे दर्शक खुश होंगे कि हमारी पहचान हमारी भोजपुरी से हमारा और भी प्राउड बढ़ा है, घटा नहीं है। तो थैंक्स सबको, हमारे दर्शकों को, हमारी भोजपुरी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।